भगवान को कौन सी भाषा समझ में आती है? हम लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग संस्कृत बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग तमिल बोलते हैं, कुछ लोग मलयालम बोलते हैं, पारसी बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, कुछ लोग चाइनीज भाषा बोलते हैं, अमेरिकन बोलते हैं, कुछ लोग नेपाली बोलते हैं, अनेक देश हैं, अनेक भाषाएं हैं। अब आप बताओ, आप कितनी भाषा जानते हैं? आपको कितनी भाषाओं का ज्ञान है? किसी को दो भाषा का ज्ञान होगा, किसी को एक भाषा का ज्ञान होगा, किसी को पांच भाषा का ज्ञान होगा, किसी को दस भाषा का ज्ञान होगा, किसी को बीस भाषा का ज्ञान होगा, किसी को पचास भाषा का ज्ञान होगा, है ना? परंतु सोचिए कि भगवान को कितनी भाषाओं का ज्ञान होगा। कोई चाइनीज भक्त चाइना की भाषा में भगवान को पुकारे, कोई गुजरात का भक्त गुजराती भाषा में पुकारे, हिंदी का भक्त हिंदी भाषा में पुकारे, उर्दू का भक्त उर्दू में पुकारे, और भी जितनी भाषाएं मैं नहीं भी जानता, जिन भाषाओं के नाम, उन भाषाओं हजारों भाषा हैं। और आप कितने भी बड़े ज्ञानी होंगे भाषाओं के, तो 10-20 भाषा का ही ज्ञान कर पाएंगे। सारी सृष्टि की भाषाओं का ज्ञान आप कभी नहीं कर सकते। पर सोचिए, मुझे एक प्रश्न आपसे ये पूछना है कि भगवान को कौन सी भाषा समझ में आती होगी? बोलो, कौन सी भाषा, कौन सी भाषा? मैं हिंदी में प्रार्थना करता हूं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव हे प्रभु आप मेरे हैं। कोई संस्कृत में प्रार्थना करता है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। कोई इंग्लिश में प्रार्थना करता होगा अपनी भाषा में, कोई उर्दू में करता होगा, कौन सी भाषा? एक बात बताएं, समझो, सारी भाषाएं छोड़ दो, एक भाषा याद रखो। आप अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, पेरिस जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, यदि आपको बीमारी है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? कोई भी बीमारी है तो सबसे पहले डॉक्टर बीमारी का पता लगाने के लिए क्या करता है? आपका ब्लड लेता है, खून। आपके शरीर से क्या निकालता है? ब्लड निकाल लेता है, रक्त निकाल लेता है, खून निकाल लेता है, और उस खून को ले जाकर, उस ब्लड को ले जाकर के वो देखता है कि आपको बीमारी क्या है। डॉक्टर किस भाषा को समझता है? ब्लड की भाषा को। आपके खून से पता लग जाएगा कि आपको बीमारी क्या है, हाँ या ना? डॉक्टर को कुछ नहीं बताना है, वो आपका खून निकालेगा, चेक करेगा सारी पूरी आपके शरीर की पूरी हिस्ट्री कि आपका लीवर ठीक है कि नहीं, किडनियां ठीक है कि नहीं, हृदय ठीक है कि नहीं, क्या ज्यादा है, क्या कम है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, सारी हिस्ट्री निकल जाती है। कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी होने वाली है, खून की भाषा समझता है कि नहीं? खून की एक बूंद से, खून की कुछ बूंदों से डॉक्टर पूरे शरीर की भाषा, पूरे शरीर की बीमारी जान लेता है। उसी प्रकार भगवान ना हिंदी जानते ना संस्कृत, भगवान ना उर्दू जानते ना मलयालम, भगवान तो जैसे डॉक्टर खून से, खून की कुछ बूंदों से सब कुछ जान लेता है, ऐसे भक्त की आंखों से बहे आंसुओं से भगवान सब कुछ जान लेते हैं। आपकी उन आंखों के आंसुओं में ना सब कुछ लिखा है, जैसे आपके ब्लड में सब कुछ लिखा है, बस पढ़ने वाला डॉक्टर होना चाहिए। आपके ब्लड में सब कुछ लिखा है, पढ़ने वाला डॉक्टर होना चाहिए। उसी तरह भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त, आप किसी भी भाषा में प्रार्थना करो पर आपकी आंखों में आंसू नहीं आए तो आपकी प्रार्थना अधूरी है। इसलिए तो कहा
कि कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। इसलिए भगवान से इतना प्रेम करो मेरी माँ कि आंखों में आंसू आ जाए, क्योंकि भगवान आंसुओं की भाषा समझते हैं। इसलिए भगवान को इतना प्रेम करो कि जैसे एक माँ बेटे से इतना प्रेम करती है ना कि बेटे को देखते ही उसकी आंखों में, जब परदेश से लौटा बेटा वर्षों बाद तो माँ गले लगाकर रोती है। जब एक माँ अपने, देखो जब माँ एक अपने बेटे को गले लगाकर रोती है ना, सालों बाद बेटा पढ़ लिख कर आया तो माँ क्या करेगी, उसे गले लगाकर रोएगी। माँ को कुछ नहीं कहना, उसके आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। ऐसे भक्त को कुछ नहीं कहना, उस भक्त के आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। भगवान समझ गए कि ये क्या है। सुदामा जब गए श्री कृष्ण से मिलने तो श्री कृष्ण ने सुदामा से कुछ नहीं कहा, लेकिन सुदामा के चरणों को भगवान ने अपने, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा के आगे भगवान ने क्या किया, अपने नेत्रों के जल से सुदामा के पांव पखार दिए, तो भगवान की आंखों से बहे आंसू, उन आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। भगवान को ये नहीं कहना पड़ा कि सुदामा हम तुम्हें बहुत याद करते थे, सुदामा हम तुम्हें बहुत मिस करते थे, सुदामा तुम क्यों नहीं आए, तुम कहाँ थे, हम तुम्हें भूल गए हैं। क्या सुदामा ने कहा, कन्हैया क्या तुम भूल गए, सुदामा को कुछ नहीं कहना पड़ा, कन्हैया की आंखों के बहे आंसुओं ने सब कुछ कह दिया कि मित्र देखो ये मित्रता है।